क्रेसी गोस्वामी आपकी अमृत, और आप इस वक्त क्यों थे दिल छोड़ा है के सेट पर है, और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम क्रेसी टू अमृत, और ये विनायक दादा है जो मेरा मेकअप कर रहे हैं, और ये सुषमा दीदी है, मास्क निकालो ये मेरा हेयर करती है, और ये लोग मुझे बहुत सुंदर बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा मेरा जो फेस है वो एज क्रेसी वो कितना शार्प है, पर जब भी मैं रेडी होती हूँ एज अमृत तो आई लुक वेरी क्यूट एंड चबी, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ऑल्सो ये मेरे बालों का लेयरिंग हो रहा है जिसके ऊपर मैं विग पहनूंगी जो बहुत ही हैवी है। 1947 का लुक है जिसमें मुझे आईब्रोज करना अलाउड नहीं है, तो मैंने 3 महीने से अपनी आईब्रोज नहीं की है बिकॉज उन्हें रॉ रखना था। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ बट स्पेशली फॉर दिस शो मैंने आईब्रोज नहीं की है। मेकअप में इट्स अ नो मेकअप लुक, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो गया है, जस्ट मस्कारा इज लेफ्ट, बाकी तो सब हो गया है। बिंदी पहन रही हूँ इस शो में भी मैं, एंड बालों में उन्होंने चोटी दी है तो, और यहाँ से मेरी दो ऐसे लटे निकलती हैं तो फुल उस टाइम का फील आता है, मतलब बाल कैसे बांध के रखते थे, दुपट्टा पहनना, बिंदी लगाना, नो काजल ज़्यादा लगाते थे उस टाइम पे, मेरे लुक में उतना है नहीं पर उस टाइम पे बहुत लगाते थे, तो दैट्स हाउ द लुक इज़। तो अब आप देखते रहिए कि मैं कैसे ग्रेसी से अमृत में ट्रांसफॉर्म होती हूँ, आप प्रोसेस देखिए। ट्रिपल टोंग कर रहे हैं बिकॉज वेवी लुक है, उस टाइम पे लड़कियों के वेवी बाल होते थे बिकॉज उस टाइम पे जैसा खाना होता था उससे जो भी उसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रोटीन होता था, और इस टाइम हम जो खाते हैं वैसा खाना नहीं होता था जिससे हमारे बाल स्ट्रेट और सिल्की होते हैं, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वेवी बाल थे। सो मेरे बालों को क्रम्प ट्रिपल टोंग किया जाता है, एंड यूजुअली रेडी होने में मुझे अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट्स विथ ज्वेलरी ड्रेसिंग अप एवरीथिंग। ज्वेलरी में मुझे नोज पिन पहननी पड़ती है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे ब्रूज हो गया है उसकी वजह से जो मेकअप से छुपाते हैं, तो वो नोज पिन मुझे कंटिन्यूसली पहन के रखनी है, एंड इयररिंग्स की वजह से मुझे कट्स हो गए हैं कान में, बट इवन दैट आई हैव टू वेयर, एंड गले में तो ओम है सिंपल सा, वेरी नाइस एंड डेलिकेट। हाथ में एक ब्रेसलेट है जिसपे बहुत सारे सीन्स गए हैं, ब्रेसलेट गिरना, रणधीर को मिलना, वापस पहनाना, ये वो, तो ब्रेसलेट जैसे कि अमृत की पहचान है तो ब्रेसलेट है, और एक हाथ में बैंगल्स है, और पैर में पहले 2 पायल थी अब सिर्फ 1 पायल है क्योंकि 1 पायल रणधीर के पास रहती है, तो मैं 1 पायल पहन के पूरे सेट पर घूमती हूँ। एंड दुपट्टा है, उसको अलग अलग तरीके से हम ड्रेप करते हैं जैसे भी ये हो, बाहर जाती हूँ तो सर पे पल्लू लेती हूँ, घर में होते हैं तो नहीं लेते हैं, दैट्स हाउ द ज्वेलरी इज। रिंग दे देते हैं कभी कभी बिकॉज शी इज फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो गोल्ड रिंग और ऐसे। आ गई है मेरी सीन्स के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये बंच मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोर्ड की एग्जाम देने जा रही हूँ हाँ, लास्ट टाइम मेरे 10th का एग्जाम था, इस बार मेरे 12th का बोर्ड एग्जाम है, इस बार भी है, तो चल रही है पढ़ाई भी, और ये पढ़ाई भी चल रही है, वो पढ़ाई भी चल रही है, और अगर प्रिकॉशंस कोरोना रिलेटेड प्रिकॉशंस की बात करें तो आप बाहर देखेंगे 2 बूथ्स लगे हुए हैं, वहाँ पे लेग से प्रेस करके जो सैनिटाइज़र हाथ में पंप होता है वो पंप्स रखे हुए हैं बाहर सैनिटाइज़र के,
सेट पे सब मास्क, मतलब क्रू एंड यूनिट में सब मास्क पहन के रखते हैं। हमारे लिए मोस्टली पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ मेकअप और हेयर, पर जब भी हमारा शॉट नहीं होता है तो हम मास्क पहन के ही रखते हैं। जब शॉट होता है तो हम निकाल के पाउच में या फिर किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस है सेट पे, और हम किसी भी सेट प्रॉपर्टी को तब तक नहीं छूते जब तक हमारा उसके रिलेटेड शॉट नहीं होता है। मेकअप मतलब मेकअप दादा और हेयर दीदी सब लोग ये ब्लू जो इनको शील्ड दिया हुआ है इसको पहन के रखते हैं फॉर द प्रिकॉशंस उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हेयर दादा और मेकअप दीदी फुल टाइम ये पहन के रखते हैं, मास्क भी पहनते हैं, सो सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इवन सेट को भी सैनिटाइज करते हैं ये लोग बहुत फ्रीक्वेंटली। बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेरे 12th के और मैं सेट पे ही पढ़ती हूँ, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करती हूँ, अकाउंट्स के सम आंसर नहीं आता है तो टीचर्स को कॉल करती हूँ, सर ये आंसर नहीं आ रहा है, सर ऑनलाइन मुझे सॉल्व करके भेजते हैं। ग्रामर के लिए मैं बुक मैं प्रैक्टिस बुक्स ले आई हूँ तो उसमें मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसको मैं लर्न करती रहती हूँ। मोस्टली हम लोग रिसेंटली बहुत ज़्यादा शूट कर रहे थे, डे नाइट शूट कर रहे थे तो तब टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज़ ये 1 आवर का डेली सोप है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट में भागती ही रहती हूँ, कभी कभी एक यूनिट स्प्लिट हो जाती है तो मैं तीन तीन माइक्स दो दो माइक्स पहन के तो, क्योंकि दोनों यूनिट में जाना होता है तो मैं दो माइक्स पहन के रहती हूँ सेट पे। यूजुअली यहाँ जाऊँ तो इस माइक से बोलती हूँ, यहाँ जाऊँ तो इस माइक से बोलती हूँ, दो माइक पहन के मैं घूमती रहती हूँ सेट पे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो ट्रांसमीटर्स आर वेरी इरीटेटिंग समटाइम्स सीन्स में, और ऐसे और ऊपर से पीछे से ऐसा लगता है कि पता नहीं आपकी बैक को क्या हो गया है, ऐसे दो माइक्स। हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ, गुड बाय। देखते रहिए 9 to 10 PM ओनली ऑन सोनी TV, क्यों उतने दिल छोड़ा है, बाय।